रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छपरा में विगत 3 वर्षों से एससी एसटी छात्र छात्राओं को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। समस्त छात्र छात्राओं ने विशाल रैली और धरना आंदोलन का प्रदर्शन किया, जिसमें कॉलेज प्रशासन और तहसील कार्यालय छपरा में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में ब्लॉक छपरा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा है। छात्रों की मांग है कि 7 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ 40 से 50 हज़ार छात्र आंदोलन करेंगे। शिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, हंगामा किया है, किन मांगों को लेकर आपका ये पूरा ज्ञापन है और क्या नाम है आपका और यूनियन के किस पद पर हैं? सर मेरा नाम मैं सत्येंद्र साहब मरकाम है, मैं वर्तमान में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिलाध्यक्ष सिवनी। सर हम लोगों ने आवास योजना का लाभ हमारे छात्रों को छपार विकास खंड में 3 वर्षों से नहीं मिल पा रहा, हम लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले बार 2018 में भी हम लोगों ने मांग की मगर शासन प्रशासन का ध्यान हमारी ओर नहीं आ पा रहा। सर हमारे छात्रों को भारी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 5 सिवनी ज़िले में 6 विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड, जहाँ 5 विकास खंडों में आवास के फॉर्म डल रहे हैं मगर छपारा में जियोटेक नहीं हो पा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम अधिकारी लोग बताते हैं। एक छात्र को कितना आवास भत्ता मिलता है? सर 12,000 से 15,000 तक मिलता है सर। कितने दिनों का? जी सर 1 साल का मिलता है सर। अभी क्या बोला है जब ज्ञापन सौंपा गया तो कब तक मिल पाएगा और कब तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा और इसको लेकर कहां तक आपकी लड़ाई रहेगी? सर अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं तो सर ने बोले हैं कि हम जल्द ही इसका निराकरण करेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे और हम लोग तहसील से लेकर कलेक्टर महोदय तक जाएंगे। अगर हमारी मांग 7 दिवस के अंदर नहीं मानी जाती तो हम चक्का जाम और कॉलेज बंद जैसे कृत्य करेंगे, जिसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।